देख रहे मीडिया हलचल, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगातार हम बता रहे हैं आपको कि हर खबर में सबसे पहले अपडेट क्या कुछ है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल ये है कि गठबंधन को लेकर, समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर जो तमाम फॉर्मूले तय हो रहे हैं, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अब क्लियर हो चुका है। यानी कि आप कुर्मी पटेल वोट बैंक को साधने के लिए पूर्वांचल में जो यहाँ पर कृष्णा पटेल की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, अब उसी यहाँ पर पार्टी को अपना दल, ये जो कमेरावादी पार्टी है वहां पर इस पार्टी को 18 सीट शेयरिंग को लेकर जो है पूरी सहमति बन चुकी है। देखिए लगातार ये चल रहा थी बात कि कृष्णा पटेल की जो पार्टी है अपना दल उसको कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन एक और खास बात आपको बता दें कि वहीं अपना दल एस यानी जिसको अनुप्रिया पटेल देख रही है जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, उनको भी 18 सीटें देने को लेकर बीजेपी के साथ में सहमति बनी है। ये लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, कन्फर्मेशन लगभग इसी को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी, उनकी मां जिस पार्टी को लीड कर रही है सोनीलाल जी के बाद में, वो कृष्णा पटेल अब 18 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएंगे अपने उम्मीदवारों के साथ में। और एक और खास बात आपको बता दें कि यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल में पूरा जोर इस वक्त है। आपने देखा होगा कि जिस दौरान में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था उसी के बाद से लगातार अखिलेश यादव ने पूरा पूर्वांचल पर जोर दिया था। अगर इस तरफ की बात करते, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी उनके साथ में है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर है, कृष्णा पटेल है, इसी तरीके से छोटे दलों को साथ लेकर पूर्वांचल में भी अपनी जो बढ़त है उसको बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही कि इस वक्त कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल के पास में 18 सीटें हैं, 18 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और यहाँ पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे। अब ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो एक तरफ जहां मां बेटी आमने सामने होंगी, इसका जाहिर सी बात है ये जो पटेल और कुर्मी वोट बैंक है इसका बंटवारा निश्चित है, लेकिन इस बंटवारे के बाद में फायदा किसको होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट आपको यही बता रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि यहाँ पर जो माँ और बेटी है उनके बीच में जबरदस्त फाइट इस इलाके में होने जा रही है और इसका फायदा जाहिर सी बात है अखिलेश यादव भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है और 18 सीटें इस पार्टी को दे दी है।